धन्यवाद उपसभापति महोदय कि शून्यकाल में महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मुझे अवसर आपने दिया। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए 10% की आरक्षण देने का काम EWS कोटे के तहत किया। इस पर कोट के तहत आने वाले अभ्यर्थियों के उम्र सीमा की छूट का प्रावधान नहीं है, जबकि अन्य वर्गों को छूट मिलती है। मौजूदा समय में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के आधार पर जिन्हें उम्र की छूट है उसमें SC ST 5 साल की, OBC 3 साल की छूट है। इसी तरह सरकारी नौकरियों में सम्मान वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 32 साल की है। वहीं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 35 वर्ष और अनुसूचित जनजाति के लिए 37 वर्ष तय है। महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि कमजोर सवर्णों के लिए उम्र सीमा में छूट दी जाए तथा परीक्षार्थियों को लगने वाले आवेदन शुल्क में रियायत दी जाए, ताकि सबका साथ सबका विकास का नारा पूरा हो सके। मानवर EWS का जो 10% का आरक्षण, ये तो पूर्व की सरकारें भी कर सकती थी। मैं धन्यवाद देता हूं इस सदन के माध्यम से कि भाई नरेंद्र मोदी जी ने उन गरीब सवर्णों परीक्षार्थियों पर भी ध्यान देके और सम्मान जीवन जीने का अधिकार उन्होंने दिया। मैं आपके माध्यम से सदन से आग्रह करता हूं कि इस पर भी ध्यान देते हुए उन लोगों के आवेदन शुल्क और उम्र सीमा में रियायत दी जाए। और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।